प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छता अभियान को और अधिक पंख लगने के उद्देश्य से हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के विभिन्न पंचायतों में वितरित किए गए सूखे व गीले कचरे के अलग अलग कूड़ादान अब राजनीति का मुद्दा बनते जा रहे हैं। कांग्रेस के नेता जहां इसके निदान के लिए कोई योजना न होने पर इसे मजाक करार दे रहे हैं, वहीं सांसद इस पर पंचायतों की जिम्मेदारी और सबकी सहभागिता होने की बात कहकर अपना पल्ला झाड़ रहे हैं। हमीरपुर संसदीय क्षेत्र में सांसद अनुराग ठाकुर द्वारा स्वच्छता अभियान को ग्रामीणों तक पहुंचाने के लिए पंचायत स्तर पर वितरित किए गए कूड़ेदानों में भर रहे कूड़े के सही ढंग से निदान न होने पर ग्रामीणों में भी रोष देखा जा रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि सांसद द्वारा शुरू की गई ये पहल सराहनीय है, लेकिन इन कूड़ेदानों को वितरित करने से पहले कूड़ा निदान पर योजना बना लेनी चाहिए। इसके बारे में मैं एक ही बात बताना चाहता हूँ, ये जो अनुराग जी ने काम किया है अच्छा काम किया, लेकिन जब ये भर जाएंगे, भरने के बाद इनको खाली करने का कोई ना कोई साधन तरीका तो चाहिए, और बीजेपी सरकार के पास भी कि इनका जो कूड़ा है उसको उठाने का कोई ना कोई समाधान किया जाए, और अगर इसको उठाने का इनको खाली करने का कोई तरीका नहीं अपनाया जाएगा तो ये बीमारियां फैलेंगी और बीमारियों से लोग बीमार होंगे, लोगों को उल्टा और खर्च पड़ेगा, कौन उसको पूरा करेगा फिर। बड़सर के कांग्रेस विधायक इंद्रदत्त लखनपाल ने आरोप लगाया है कि सांसद ने केवल नाम कमाने के लिए कूड़ादान वितरित किए हैं और भरे हुए कूड़ादान का निदान कहां होगा इसकी चिंता सांसद को नहीं है। उन्होंने कहा कि सांसद द्वारा बिना सोच समझ कर दिए गए कूड़ेदानों के निदान न होने के कारण उसके साथ गंदगी फैल रही है और बीमारी का अंदेशा भी बढ़ गया है। कूड़े के पात्र यहाँ पर लगाए हैं जगह जगह पे, उसमें आधे से अधिक तो कोई तूफान से उड़ गए या किसी ने तोड़ दिए शरारती तत्वों ने, क्योंकि उसमें सुरक्षा नाम की कोई चीज नहीं है, और भरने के बाद उसमें से कूड़ा कहाँ ठिकाने लगाना है उसका कोई प्रपोजल नहीं है। आज वहाँ गंदगी फैल रही है, लोग बीमार हो रहे हैं, उसकी अनुराग जी को कोई चिंता नहीं है। उन्हें तो केवल अपना नाम लिखा के प्रचार करने की एक चिंता है कि ये लड़की 15 साल में मैंने ये छोटा सा 3-2.5 फुट का जो है एक डब्बा जो है लोगों को दे दिया, इससे बड़ा भद्दा मजाक एक सांसद का क्या हो सकता है। वहीं इन आरोपों पर सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा कि कूड़े का निदान कहां करना है इसके बारे में पंचायत के प्रतिनिधि का काम है और स्वच्छता के प्रति सभी को अपनी जिम्मेदारी निभाने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि स्वच्छता के लिए पंचायत व नगर परिषदों को धन मुहैया करवाया जा रहा है और उसके सही इस्तेमाल पर सबको पहल करने की जरूरत है। देश में फेडरल स्ट्रक्चर में, संघीय ढांचे में, पार्लियामेंट से लेकर पंचायत तक अलग अलग संस्थाएं हैं, हर किसी की जिम्मेदारी है। स्वच्छता अभियान में पैसा तक आता है जो पहले नहीं आता था, तो जो स्थानीय पंचायती राज की संस्थाएं हैं उनको भी उस पर काम करना है, जहां नगर परिषद है उनको काम करना है, और ये शुरुआत कहीं ना कहीं करनी होगी। पहले तो लोग ये भी कहते थे अरे देश के प्रधानमंत्री ने झाड़ू हाथ में उठा लिया, अगर भारत का हर नागरिक इस तरह से झाड़ू उठाएगा हाथ में तो सफाई होगी। बहुत सारे देशों में लोग जो खाते हैं उसके बाद छिलका अपनी जेब में, यानी कि अगर टॉफी खाई, चॉकलेट खाई तो छिलका जेब में रखते हैं और अपने झोले में डालते हैं और जहां पर कूड़े का डस्टबिन होता है उसमें फेंकते हैं। ये प्रयास, ये जागरूकता हमें अपने देश में करने की आवश्यकता है। कोने कोने से प्लास्टिक उठाना बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन अगर एक जगह पर पड़ा होगा तो उसकी समस्या का समाधान भी हो सकता है।